करेंगे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसे खोलते हैं लोग इफ्तार, नीचे इफ्तार खोलने का ऐसे साइड में कैसा लग रहा है बोलो ना जरा। और आज हमारा पोस्टमार्टम यहाँ से हम होके निकलेंगे पक्का है। और अब हम सोच रहे हैं हमारा एक से तो पेट भरता नहीं है तो इसलिए हम जा रहे हैं दूसरा एक और लेने जो थोड़ा सा हैवी होगा। भैया वसुंधरा जा रहे हैं? अच्छा तो हमें एक से तो पेट नहीं भरता है इसलिए हम दूसरा भी एक लेंगे क्योंकि ईद है तो एक से नहीं भरता यार। तो भैया वसुंधरा जावे वसुंधरा तो हम एक और जा रहे हैं कुछ हैवी लेने के लिए। मेरी ये फ्रेंड भी ले चुकी है आज तो ये भी पूरा कस के आई हुई है कि ये भी लेगी दो दो। हर किसी को ईद का बहुत ही ज़्यादा वेट होता है ना और हमारा तो और एकदम ही और ज़्यादा ही एक्साइटिंग था सब कुछ बिकॉज हम लोग कितने दिनों से एग्ज़ाम में बिजी थे और फाइनली जाके हमें टाइम मिला है कि हम ईद की शॉपिंग पे आ सके क्योंकि ईद से ज़्यादा ईद की शॉपिंग रोज़ा रह के ईद की शॉपिंग करना इज़ एन अल्टीमेट फीलिंग। तो अभी हम वसुंधरा की तरफ आ गए हैं और वी आर गोइंग टू शॉप। आई होप हमें कोई अच्छा कपड़ा मिल जाए और हम आज यही प्लान किए कि हम यहाँ पे आज रोज़ा खोलेंगे वसुंधरा में ही। तो लेट्स सी है ना। ये देखो ये क्या है। सो हम अंदर आ चुके हैं वसुंधरा के और इधर ही थोड़ा राहत है यार। यहाँ पे ये इसका जान रहा है, इसका जान रहा है, ये अशोर का जान रहा है। यहाँ पे लोग ऐसे इधर क्या मस्जिद अंदर अब हम थक गए हैं शॉपिंग बहुत थक गए हैं। मेरे अंदर बिल्कुल ही वो नहीं है। अपन कहाँ जाएंगे अब खोलने इफ्तार? कहाँ खोलिए? ऊपर ना ना ऊपर चलते हैं इफ्तार खोलने। इफ्तार नीचे कुछ होगा खाने के लिए? हाँ चलते हैं ऊपर इफ्तार खोलते हैं। हमने कुछ कपड़े ले लिए हैं, ईद की शॉपिंग भी हो गई है और अब हम बस मर चुके हैं। करने के लिए मैं ढूंढ तो रही हूँ पर यहाँ पे शायद ही मिलेगा। बाप रे वहाँ पे तो पूरा पैक है, भीड़ है यहाँ पे, भीड़ पूरा कितना ज़्यादा भीड़ है। ये सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कैसे इफ्तार खोलने के लिए। यहाँ पे इधर दुकान में सारे बैठे हुए, यहाँ देखिए ऐसे इफ्तार हम खोलते हैं। यहाँ पे एकदम ही जगह नहीं है एंड देर इज़ नो प्लेस कि हम जाके इफ्तार खोले। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सब कोई साइड में बैठे थे तो हम भी साइड में बैठ के अब इफ्तार खोल रहे हैं, है ना? कैसा लग रहा है तुमको ये नया एक्सपीरियंस इफ्तार खोलने का? ऐसे साइड में कैसा लग रहा है बोलो ना ज़रा, अटर करो एक वर्ड, कैसा लग रहा है? बुरा हालत है, हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि हम यहाँ नीचे बैठेंगे और नीचे बैठ के इफ्तार खोलेंगे। इनको देखें इनके साथ इफ्तार खोलने में बैठे हुए क्योंकि यहाँ पे सब कोई ऐसे ही खोल रहे हैं। तो हम शॉपिंग करते करते इतना टाइम हो गया कि अब कोई जगह नहीं बची है और सारे को जब मैंने देखा कि नीचे बैठ के इफ्तार खोल रहे हैं तो इफ्तार ही तो खोलना है। मैं भी ऐसे नीचे बैठ के खोल लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, है ना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इट्स फाइन, टोटली फाइन। देखें लोग कितना प्यासे हैं इतने गर्मी में और इतना सब कुछ में, किसी को कोई धुन नहीं है। सब यहाँ पर बैठ गए इफ्तार खोलने के लिए एंड सब इतना थक गए। शॉपिंग पर करेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसे खोलते हैं लोग इफ्तार, नीचे बैठते हैं। फिर हमें जब सब बैठे हैं तो हम भी यहीं नीचे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बस रोज़ा खोल लिए यहीं पे बैठ गए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अब हम खाने के बाद वो थक नहीं जाते हैं जो इफ्तार खोलने के बाद लोग थक जाते हैं, हम वैसा थक गए हैं। बताए आप लोग, हमारे अंदर इतना भी एनर्जी नहीं है कि हम ब्लॉग बना सकें। आप लोगों की इतनी शॉपिंग कैसी हो रही है? आप भी क्या हमारे जैसे ही शॉपिंग करते हो? मतलब कि हमारे से पागल जैसे ही शॉपिंग करते हो, ऐसे भूखे रह के और बस कूदते रहो और कूदते रहो। अभी मैं रूम जाऊंगी और थोड़ा रूम जाके फ्रेश होके देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। ब्लॉग तो कितने दिन से मैं बना ही नहीं थी, अब देखो
ब्लॉग में बना रही हूँ, पर आप लोग व्यू ज़रूर देना मुझे। अगर व्यू नहीं दोगे ना तो मेरा ये मेहनत का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और हमने बहुत शॉपिंग कर लिया है और थक भी वैसे ही गए रोज़ा खुल। सो देखते हैं कि अभी जाने के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो ठीक है, और नहीं करी तो मैं कुछ भी ऐड करके डालूँगी। आप लोग जानते हो कि ईद का टाइम है और हमें हमारे घर वालों से इम्पोर्टेंट था, हमारे एग्जाम से तो स्किन केयर कराना बहुत ज़रूरी था। सो आज हम लोग आए हुए हैं हाइड्रोफेशियल कराने के अनामिका ब्यूटी कॉर्नर में, जो कि मीरपुर आसे ना, मीरपुर 60 रोड आसे, साइड फीट रोड आसे, यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट। और आप लोग लास्ट तक देखें, आई होप ये हमारा स्किन को काफ़ी अच्छा टोन अप कर देगा। सो मैं आप लोगों को लास्ट में जरूर दिखाऊंगी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हो चुके हैं और सारे प्रोसीड्यूर होने वाले हैं, तो आप लोगों को मैं छोटा छोटा प्रोसीड्यूर दिखाऊंगी। पर आई होप मेरे साथ कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत रूटीन पे नहीं आती हूँ, मैं बहुत डरी हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं ये शो ऑफ करी, पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत दरकार था। आप देख सकते हो मेरी आँखों में देख के नजर आ ही रहा होगा कि मेरा क्या हाल है फेस दोनों का बहन। सो अगर आप अपनी लाइफ में अगर अपने स्किन को कुछ नहीं दिए तो क्या दिए, तो इसलिए आई एम रेडी फॉर माई हाइड्रोफेशियल एंड आई सजेस्ट एवरीबडी की हाइड्रोफेशियल। रुक बहन, पहले तू करा ले उसके बाद सजेस्ट करना। जरूर करें, क्योंकि मुझे जितना पता है हाइड्रोफेशियल बहुत ही अच्छी एक चीज़ है स्किन के लिए। तो उसको ऑक्सीजनेशन देना, उसको अपने स्किन से सारे डेड सेल्स आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई ऑल्सो सजेस्ट यू, एंड बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है मेरे साथ, कितना क्या घटनाएँ घट रही है। हाय आयशा, हाउ आर यू आयशा, कैसा लग रहा है तुमको? बेकार। आई मीन फेस चेंजिंग, फेस प्रिपेयर होच्छे हाइड्रोफेशियल एर आगे। सो आप पूरा माने आगे फेस्ट आगे प्रिपेयर करबेन, तारपरे हमार हाइड्रोफेशियल स्टेप गुला शुरू होबे। सो लेट्स ईयर्स फॉर द प्लेज आउट देयर, चेक आउट दिस डोप शिट मैन। इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मेरा पोस्टमार्टम हो के ही निकलेगा। पोस्टमार्टम एक अल्ट्रासोनिक यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है लकी, और आज हमारा पोस्टमार्टम यहाँ से हम होके निकलेंगे, पक्का है। अब तक तो हमने बस देखा है पोस्टमार्टम होता है मोर्जरी में, और अब यहाँ पे बस हमारा हो रहा है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। बता रहे आज जितने धरन जितने टाइप के वो होंगे ना इंस्ट्रूमेंट, वो सारे आज मेरे फेस पे यूज होने वाले हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही है, जानते हो, क्योंकि हम इससे पहले जो कराए थे ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था। इट विल बी मोर इफेक्टिव देन दोस वी यूज बाय हैंड्स। हाइड्रेशन करा लिए हैं और कराने के बाद इज द फाइनल थिंग, क्योंकि हम बहुत हाइड्रेटेड फील कर रहे हैं। एंड आई होप हर कोई को अपनी स्किन का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। मुझे पता है कि मैं ये सब ज्ञान आपको दे रही हूँ जो कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि हम रात रात भर किसी ना किसी सिचुएशन में जगे रहते हैं, रात में उठते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, फिर ख्याल रखना भूल जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि ये टेंट्रम्स है, ये एक्स्ट्रा मतलब टाइम का वेस्टेज है, मनी वेस्टेज है, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप स्किन ही तो आपका पहचान है, अगर आप स्किन ही को केयर नहीं करोगे तो फिर कैसे होएगा, बोलो। और मैंने आज इतना सब कुछ कराया, जो कि आपने सारा प्रोसीड्यूर देखा ही है, तो इतना सब कुछ कराने के बाद थोड़ा पैसा ही लगा है, लेकिन अगर जिनके पास है तो आप ज़रूर करें, और जो नहीं कर सकते हैं वो डेली रूटीन में केयर करके थोड़ा सा एटलीस्ट स्किन का केयर करें, क्योंकि स्किन का केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम हमेशा तो नहीं करते हैं, पर एटलीस्ट मंथ में एक बार, दो मंथ में एक बार तो आप कर ही सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।